एक तरफ पूरे देश में चर्चाएं तेज हैं, तो वहीं इस मामले में सियासत भी चरम पर है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। आरजेडी सांसद ने कहा है कि नीट की परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए और इसके साथ ही एनटीए नाम की संस्था को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। एक देश एक एग्जाम कराने में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। नाम की जो संस्था है ये फ्रॉड है, हर एग्जाम में फ्रॉड है। कुछ के फ्रॉड सामने निकल करके आ रहे हैं, कुछ के फ्रॉड सामने नहीं निकल करके आ रहे हैं। इस एनटीए नाम की चीज को बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, पुरानी व्यवस्थाएं बहाल करिए। वन नेशन वन एग्जाम का खामियाजा हमने भुगत लिया, आप चले हैं वन नेशन वन इलेक्शन कराने, एक परीक्षा बिना लीक की नहीं करवा सकते। वहीं बिहार में नीट पेपर लीक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने हो गया है। आरोपियों को लेकर दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इसी क्रम में आरजेडी ने आरोपी संजीव मुखिया और उनकी पत्नी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजीव मुखिया को सीएम नीतीश कुमार का करीबी बता दिया। मनोज झा ने संजीव मुखिया का कई एनडीए के नेताओं से भी संबंध बताए हैं। संजीव मुखिया ये कौन है, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं, महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री है, चुनाव लड़ चुकी हैं, ये आपके समक्ष तस्वीर है। कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लो। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है, उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है। एक अन्य मार्ग में बेरोक टोक जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की भी संलिप्तता है। तो एक हॉन्टेड स्टोरी चला दी गई और जो सच्ची कहानी है, जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जो जिसके लोग कहते थे कि हम कोई भी परीक्षा रिक करा सकते हैं, उसके बारे में आपको मैंने थोड़ी जानकारी दी। अब आरजेडी ने आरोप लगाए हैं तो जवाब आना जाहिर है। जेडीयू की तरफ से इसका जवाब दिया गया है। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार जनता के सीएम हैं और समस्याओं को लेकर उनसे लोग मिलते रहते हैं और पेपर लीक कांड की तेजी से जांच हो रही है, इसमें शामिल दोषी बचेंगे नहीं। हमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री से तो सब लोग जनता आते हैं, जन सुनवाई करते हैं, जन समस्या सुनते हैं, तो कोई लोग मिलते रहते हैं। नहीं, इस पर फोटो की क्या मामला है, लेकिन जो 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 कार्रवाई चल रही है, जो जांच हो रही है, उसमें तो जानते हैं कि कहां से किस परिवार से जुड़ा हुआ तार है इसे। तो आप समझ लीजिए कि जो भी बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकार संवेदनशील है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, दोषी जो है बख्शे नहीं जाएंगे। संजीव मुखिया की जो पत्नी है अभी फिलहाल जेडीयू में है क्या? नहीं, जेडीयू में नहीं। ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, कभी हो सकता है हमारे हमने तो कहा कि आम जनता भी हमारे नेता से मिलते रहते हैं, कोई समस्या लेके आते हैं, तो कभी कोई समस्या लेके आई होंगी चाहे मिले होंगे। नहीं, अभी सवाल ही कब का फोटो कब का दिखाया जा रहा है, लोग मिलते रहते हैं, लेकिन जो आप जिधर इशारा कर रहे हैं कि जो बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ किया है, जो जहाँ परिवार जुड़ा हुआ है, तेजस्वी यादव के से जुड़ा हुआ ये चीज़ें हैं, तो जो भी इसमें दोषी है, उनके निजी सहायक का भी मामला आया है, तो सब लोग पर कार्रवाई होगी। वहीं नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरजेडी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी पलटवार किया है। ललन सिंह ने कहा है कि साक्ष्य में पता चला है कि कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसने किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक किया और इस पर पहले आरजेडी सफाई दे, गेस्ट हाउस में कौन प्रश्न रटवा रहा था इस पर सफाई दे, मामले की जांच हो रही है और जिसके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे कार्रवाई जरूर होगी। तो पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें पहले, उसका ना जवाब देंगे, क्योंकि तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था प्रश्न, इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है,
और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई।